बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे टॉपिक का नाम है फैक्टोरियल। तो सबसे पहले नंबर पे फैक्टोरियल के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम फैक्टोरियल की डेफिनेशन को समझते हैं कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है। फैक्टोरियल की डेफिनेशन है हमारे पास, द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल इज फॉर एनी पॉजिटिव होल नंबर एन द फैक्टोरियल n factorial equal to n multiply n minus 1 multiply n minus 2 multiply up to so on multiply 2 multiply 1। मतलब कि हमारे पास फैक्टोरियल जो है वो प्रोडक्ट होता है नेचुरल नंबर्स का। एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, हमारे पास नीचे गिवन है एग्जांपल, देखें तो हमारे पास है जी 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल का मतलब होगा कि ये एक नंबर है, और 2 का फैक्टोरियल का मतलब होगा कि ये 2 ज़रब 1 है और वो 2 इक्वल आ जाएगा। और 3 का फैक्टोरियल होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो कि इक्वल बनता है 6 के। अगर 4 का फैक्टोरियल देखें तो हमारे पास बनता है जी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मतलब कि पहले 4 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन 4 का फैक्टोरियल कहलाता है, जो कि अगर मल्टीप्लाई करें हम तो वो बराबर आता है 24 के। इसी तरह से हम देखें 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल होगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 5 का फैक्टोरियल कहलाता है, और वैसे इसको मल्टीप्लाई करें तो 120 बन जाता है। सिमिलरली 6 का फैक्टोरियल देखें तो वो हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, मतलब कि पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 6 का फैक्टोरियल कहलाता है, जो कि बराबर होता है 720 के। इसी तरह से 7 का फैक्टोरियल पहले 7 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, 8 का फैक्टोरियल पहले 8 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, और 9 का फैक्टोरियल जो होता है वो पहले 9 नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सिमिलरली 10 का फैक्टोरियल पहले 10 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि 2 और 3, अगर या इसमें 2 मिसिंग हो जाए या 3 मिसिंग हो जाए या 6 मिसिंग हो जाए, तो हम इसकी जगह 10 फैक्टोरियल नहीं लिख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बिलतरतीब पहले 10 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, अगर 10 का फैक्टोरियल हमने लिखना है तो वो जो कि इक्वल होता है हमारे पास दिस सम अमाउंट के। तो इसी तरह से हमारे पास अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आता है जी, कहते हैं एज वी कैन सी द फैक्टोरियल गेट्स वेरी लार्ज वेरी क्विकली, सम थिंग दैट मे सीम स्मॉल सच एज 20 फैक्टोरियल एक्चुअली हैज़ 19 डिजिट्स, जो कि 19 डिजिट्स के इक्वल आता है। कैसे? क्योंकि हम 1 को अगर ना भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर तो ही रहता है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 है 2 ही आंसर रहता है, 3 मल्टीप्लाई 1 हो तो 3 ही आंसर रहता है। तो मतलब अगर हमने पहले 20 नेचुरल नंबर का अगर हमने प्रोडक्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगता है या लिखने में काफ़ी वक्त लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हुआ फैक्टोरियल। उम्मीद है कि आपको फैक्टोरियल की डेफिनेशन समझ आई होगी कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है और हम किस तरह नंबर्स को एक सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है जी, सबसे पहले नंबर पे देखें जी, हमारे पास है जी फैक्टोरियल का फार्मूला आ गया हमारे पास, एन फैक्टोरियल बराबर है एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अप टू सो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हमारे पास आ गया फैक्टोरियल का फार्मूला। हाँ, एक बात याद रहे कि हमारे पास 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमने एवोल्यूएट करना है, नीचे हमारे पास हर पार्ट में फैक्टोरियल फॉर्म में गिवन क्वेश्चन है, जैसा कि हमारे पास है 4 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं 4 फैक्टोरियल पहले 4 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 हो गया, मतलब हमने 4 के फैक्टोरियल को एवोल्यूएट कर लिया क्योंकि इसके इक्वल होता है 24 के होता है। इसी तरह से हमारे पास 6 का फैक्टोरियल है, तो 6 के फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 720 आंसर बनता है। तो आप देखें हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में फैक्टोरियल आ गया 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। तो एक बात ये हमेशा याद रखिएगा कि हम अगर फैक्टोरियल में 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल है तो ये आपस में कट नहीं सकते, फर्स्ट अगर 8 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल होता तो हम 4 को 8 के साथ ना क्रॉस कर सकते, काट नहीं सकते थे। तो इसी तरह से हम 8 के फैक्टोरियल को ऊपर लहदा से हम ओपन करेंगे और 7 के फैक्टोरियल को लहदा से ओपन करेंगे। हमारे पास 8 का फैक्टोरियल हम जानते हैं बाई फार्मूला एन फैक्टोरियल बराबर है एन इन टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल के, तो हमारे पास आ गया जी
यहाँ देखिए एट का, एट का फैक्टोरियल हम एट इंटू एट माइनस वन का फैक्टोरियल लिखते तो एट माइनस वन का फैक्टोरियल मतलब सेवन फैक्टोरियल ओवर सेवन फैक्टोरियल। हाँ, अब हम सेवन फैक्टोरियल को सेवन फैक्टोरियल के साथ काट सकते हैं, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आठ आ गया। तो इसी तरह से अगर हमारे पास अगले पार्ट में जाते हैं तो दस का फैक्टोरियल बटा सात का फैक्टोरियल, यहाँ पर देखिए हमारे पास दस का फैक्टोरियल बटा सात का फैक्टोरियल, दस का फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हैं, दस ज़रबे नौ ज़रबे आठ सात का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो आप देखें बटे में सात फैक्टोरियल से सात फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो आठ ज़रबे नौ ज़रबे दस सात सौ बीस हो गया। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में जाते हैं, अगले पार्ट में जाते हैं तो ग्यारह का फैक्टोरियल है, तो ग्यारह के फैक्टोरियल को हमने कैसे सॉल्व करना है कि हम देखते हैं नीचे हमें रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से हमने इसको लेना है, चार का फैक्टोरियल सात का फैक्टोरियल। अब हमें बेहतर है कि हम इसको सेवन फैक्टोरियल एट नाइन टेन अलेवन लिख लें, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हमारी मर्जी है, हम इलेवन फैक्टोरियल को वन से लेकर अलेवन नंबर तक मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और फोर फैक्टोरियल को भी वन से लेकर फोर तक, और सेवन फैक्टोरियल को भी वन से लेकर सेवन तक नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, लेकिन ये काफ़ी लंबा काम हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इलेवन फैक्टोरियल को हम अलेवन टेन नाइन एट सेवन फैक्टोरियल लिख लेते हैं, और इसी तरह से फोर फैक्टोरियल को हम वन टू थ्री फोर लिख लेते हैं, और सेवन फैक्टोरियल को वैसे सेवन फैक्टोरियल रहने देते हैं, क्योंकि सेवन फैक्टोरियल से सेवन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यस, तो अब हमारे पास इसको हम फिर मज़ीद क्रॉस करते हैं, तो फोर यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, यहाँ फोर एट से टू आ गया, तो टू को टू से क्रॉस करेंगे, फिर ये थ्री को नाइन पे क्रॉस करते हैं तो ये थ्री आ जाएगा, थ्री मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई इलेवन हो जाएगा, जो कि हमारे पास 330 आंसर आ गया। इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, सिमिलरली हम उससे नेक्स्ट में भी पार्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम आगे जाते हैं तो सिमिलरली हमारे पास ये सारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट जो है फैक्टोरियल फॉर्म में गिवन है, हमने इसको इवैल्यूएट करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू में चले जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि क्वेश्चन हमारे पास गिवन है इसको, तो इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। अब 654 है, अब 654 को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है तो हमें फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगानी है, तो उस डेफिनेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास थ्री पीछे नंबर नहीं है, थ्री टू वन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं थ्री टू वन के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, तो ऊपर वाला हमारे पास बनेगा सिक्स फैक्टोरियल और नीचे वाला बनेगा हमारे पास थ्री फैक्टोरियल। तो देखिए जी सिमिलरली हमारे पास आगे सेकंड पार्ट आता है, उसमें देखें 12 है 11 है 10 है, अब देखना यह है कि इन तीन नंबर्स को फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखें। 12 का फैक्टोरियल तो तब लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 9 का फैक्टोरियल पीछे आ जाए, मतलब कि पहले 9 नेचुरल नंबर आ जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं 1 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते, हम ऐसा करते हैं कि 9 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कर लें, नहीं तो फिर अगर हम ऐसे देखें तो हम ऐसे करते हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अभी ऊपर वाला बन गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक नेचुरल नंबर है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसलिए हम इसको 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे बटे में देखें डिनोमिनेटर देखें, तो ये 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर है का प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम इसको 9 का फैक्टोरियल लिखते हैं। यस, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट देखें बेटा, तो हमारे पास आता है जी 17 18 19 20। अब देखते हैं हमारे पास पीछे 16 नंबर्स की कमी है, इसलिए हम पिछले फर्स्ट 16 नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो तब हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 अप टू 20 तक जा रहा है। इसी तरह से हमने मल्टीप्लाई किया था तो 1 से 16 तक, ये नीचे वाला 16 फैक्टोरियल हो गया, ऊपर वाला 20 फैक्टोरियल हो गया। चलें जी, ये भी हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या जी 10 मल्टीप्लाई 9 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए अब इसमें भी ऊपर वाले फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें पहले 8 नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और बटे में फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा जी। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से ऊपर वाला 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे वाला देखिए तो हमारे पास क्या आता है जी, पहले 1 से लेकर 8 तक नंबर है तो ये 8 का फैक्टोरियल हो गया, और 1 से 2 है तो वो 2 फैक्टोरियल हो गया। इस तरह से भैया हमारे पास ऊपर वाला देखें नेक्स्ट पार्ट देखें, तो इसका डोमिनेटर 6 7 8 है, तो पहले 5 नंबर मिसिंग है, तो इसलिए हम 5 नंबर तक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके साथ डिवाइड भी करना पड़ता है। तो इसी तरह से हमारे पास ऊपर वाला हो गया 8 का फैक्टोरियल और नीचे वाला हमारे पास यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया 5 फैक्टोरियल और यहाँ से लेकर 1 2 3 3 फैक्टोरियल। यस, इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं भैया हमारे पास क्या आता है जी। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबा जोड़ा काम हो जाता है, 49 50 51 52, अभी 48 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं 48 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो वही होगा कि पहले 48 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, तो यस ये 48 का फैक्टोरियल हो गया, तो इसी तरह से पहले 48 नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसका मतलब है, फिर 49 50 51 52, मतलब ये 52 का फैक्टोरियल हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें देखिए हमारे पास क्या आता है जी,
हमारे पास ये 4 के 2 आ गया, 1 से लेकर 4 तक वाला। यस अच्छा देखिए, अब इसको देखिए, देखते हैं हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है, इसमें उसने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू को टोटल फॉर्म में लिखना है, तो देखते हैं किस तरह से लिखते हैं हम। हाँ भाई, इससे पिछला नंबर कौन सा मिसिंग है हमारे पास, एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल मिसिंग है, जिसलिए हम क्या करते हैं एन माइनस थ्री के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, या फिर आपकी मर्जी एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव एंड अप टू सोन 4, 3, 2, 1 तक, मतलब हमने मल्टीप्लाई करने हैं, मतलब एन माइनस थ्री नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मल्टीप्लाई भी किया और उसके साथ डिवाइड भी किया, फिर ऊपर वाला क्या बन गया हमारे पास एन फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या बन गया एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो यस इस तरह से हमारे पास आगे आ जाता है एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन। तो यहाँ पर देखिए कमी किसकी है, एन माइनस वन फैक्टोरियल की है, मतलब पहले एन माइनस वन नेचुरल नंबर चाहिए पहले, तो इसलिए हम एन माइनस वन नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास भाई क्या बन जाएगा एन प्लस टू फैक्टोरियल, और पट्टे में एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो गया। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी एन प्लस वन इंटू एन इंटू एन माइनस वन, उसके बाद हमारे पास है जी 3, 2, 1 वटे में डिनोमिनेटर है हमारे पास। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, हमने देखना है कि कौन सा नंबर मिसिंग है, तो इनको हम देखते हैं तो हमें एक नंबर कौन सा जैसे ऊपर वाला छोटा चाहिए एन माइनस टू का फैक्टोरियल, एन माइनस टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, या फिर हम ऐसे करते हैं कि एन माइनस टू नेचुरल नंबर जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। चलेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अच्छा जी ऊपर वाला बन गया हमारे पास भाई, अब एन प्लस वन बड़ा नंबर है, एन प्लस टू बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं एन प्लस, यहाँ देखिए जी ये ऊपर वाला नंबर था ये एन प्लस टू फैक्टोरियल, एन माइनस वन का फैक्टोरियल आ गया। नीचे वाला देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, एन प्लस वन बड़ा है तो इसलिए हमारे पास एन माइनस टू फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है हमने, तो अब हमारे पास ये हो गया एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर ये हमारे पास है जी, मजीद हम इसको देखते हैं जी बटे में हमारे पास 1, 2, 3 था, तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं 1, 2, 3 का फैक्टोरियल, और 1, 2, 3 से लेकर एन माइनस टू तक है मल्टीप्लाई, तो इसको हम एन माइनस टू का फैक्टोरियल बना लेते हैं। यस भाई इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास 10th पार्ट क्या है जी, 10th पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 10 में देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड अप टू सोन एन माइनस आर प्लस वन, मतलब हमारे पास यहाँ पर देखें तो हमारे पास कौन से नंबर की मिसिंग है एन माइनस आर, यानी कि इससे एन माइनस आर प्लस वन से छोटा नंबर कौन सा बनता है एन माइनस आर बनता है, यानी कि एक नंबर पिछला नेचुरल नंबर ये बनता है, तो एन माइनस आर नंबर के साथ नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई और एन माइनस आर फर्स्ट नेचुरल नंबर के साथ डिवाइड भी कर देते हैं। यस मल्टीप्लाई हमने डिवाइड किया है तो ऊपर वाला भाई हमारे पास हो गया एन फैक्टोरियल, और नीचे वाला क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा एन माइनस आर सबसे बड़ा नंबर बनेगा बटे में, इसलिए एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो गया। चलिए जी इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि हमने किस तरह से नंबर गिवन थे उनको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखा है। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास था हमारे पास नंबर गिवन थे उनको फैक्टोरियल फॉर्म में गिवन नंबर थे, हमने उसको एवेल्युएट करना था, नंबर लिखने थे, अब हमारे पास उसका उल्टा है, यानी कि नंबर गिवन है इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। चलिए इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट होता है।